हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उसने चढ़ाने की कोशिश करी है मेरे माइक पे। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में देर रात किन्नरों ने उस वक्त जमकर हंगामा काटा जब उनकी जमीन से बिना इजाजत लिए एक हाईवे निर्माण कंपनी ने मिट्टी का खनन करना शुरू कर दिया। 50 से अधिक किन्नर मिट्टी ले जा रहे डंपरों के आगे खड़े हो गए। वहीं इस दौरान बताया जा रहा है कि किन्नरों को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें कुचलने की भी कोशिश की गई। इस हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस किन्नरों को समझा पाई। पुलिस की कार्रवाई के आश्वासन के बाद किन्नरों का गुस्सा शांत हुआ, तब कहीं जाकर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। हमारे दो तीन इंचड़े बच गए इसमें मरने से। देखिए गाड़ी से धक्का भी लगा, देखिए वो ऐसा धक्का लगा, देखो पैर में, देखिए 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 पैर सूजा उसका। ट्रक वाला हम लोगों ने पूछा, हम लोगों ने उससे मना किया, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। जी जी यहाँ सब की समा दिया थी। जी जी ये मट्टी खोद खोद के पूरा सब खोदे दे रहा है, हमारा मना किया तो इन्होंने डंपर चढ़ाने की कोशिश जबरदस्ती करी और जबरदस्ती हमारे साथ करी। मिल रही जानकारी के मुताबिक कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस निर्माण कार्य में मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ रही है, जिसके चलते पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के तौरा गांव में पीएनसी कंपनी मिट्टी का खनन कर रही है। तौरा में ही किन्नरों की पुश्तैनी जमीन है और इसी जमीन पर उनके पूर्वजों की समाधि भी बनी हुई है। बीती रात किन्नरों की जमीन से कंपनी के कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से 6 से 7 फीट की गहराई तक बिना इजाजत के मिट्टी खोद डाली। मिट्टी खनन की सूचना किन्नरों को जैसे ही मिली, रात में करीब 4 दर्जन से अधिक किन्नर मौके पर पहुंच गए और हंगामा करते हुए खेत में ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। किन्नरों का आरोप है कि जब वे मिट्टी खनन का विरोध कर रहे थे तो मिट्टी खोदने वाले कर्मचारियों ने उन पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की। किन्नरों के धरना और नारेबाजी की जानकारी जैसे ही पूर्व पुलिस को मिली, तुरंत ही पूर्व इंस्पेक्टर चंद्रकांत सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने किन्नरों से बातचीत की। किन्नरों ने निर्माण कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन है और चोरी से खेतों से मिट्टी खोद ली और उनके पूर्वजों की समाधियां भी नष्ट कर दी गई है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन जब किन्नरों को दिया, उसके बाद किन्नरों ने अपना धरना समाप्त किया। आपको बता दें, हाईवे का निर्माण करा रही पीएनसी कंपनी का ये कोई उन्नाव में ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले अचलगंज में भी बिना अनुमति के कई जगहों पर मिट्टी का खनन कंपनी करा चुकी है, लेकिन इस कंपनी पर उन्नाव प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। संवाददाता आजाद सुजीत धानुक की रिपोर्ट, पूर्वा उन्नाव यू न्यूज यूपी।